Chapter 7 Notebook Work and the new words are emergency, fracture, phenyl, discoloration, ointment, compress, elevate, unbearable, blister, antiseptic, circuit, appliance, vaccination, venomous, sterile, ingredients. First glossary is first aid. The immediate medical help given to an injured person before medical aid arrive. जो injured person है, patient है, उनको doctor के आने से पहले जो भी medical help दी जाती है, वो first aid होता है. Antiseptic, a cream or lotion that helps to reduce or prevent infection. इन्फेक्शन को कम करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए जो भी क्रीम या लोशन लगाए जाते हैं वो एंटीसेप्टिक होते हैं. स्प्रेन, डैमेज टू अ पार्ट ऑफ योर बॉडी व्हेन इट गेट्स टर्न और ट्विस्टेड सडनली. आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट जब अचानक से सडनली टर्न हो जाए या ट्विस्ट हो जाए, जो टिश्यूज हैं आपके वो टर्न हो जाते हैं और जो बॉडी का पार्ट है वो डैमेज हो जाता है, उसको स्प्रेन बोलते हैं. फोर्थ इज स्प्लिंट, अ पीस ऑफ हार्ड मटेरियल यूज्ड फॉर सपोर्टिंग अ ब्रोकन बोन व्हेन इट हैज बीन सेट. जब फ्रैक्चर के केस में जो ब्रोकन बोन है उसको सपोर्ट देने के लिए कोई भी हम हार्ड पीस यूज़ करते हैं, जैसे कार्डबोर्ड हुआ, न्यूज़पेपर की शीट हुई, ताकि जो ब्रोकन बोन है उसको सपोर्ट मिल सके, इस चीज़ को हम स्प्लिंट बोलते हैं. फिफ्थ इज़ फायर एक्सटिंग्विशर, अ स्पेशल डिवाइस मेड ऑफ मेटल कंटेनिंग वाटर और सम अदर सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड फॉर पुटिंग आउट फायर. फायर एक्सटिंग्विशर ये एक स्पेशल डिवाइस होते हैं जो मेटल के बने होते हैं, जिनके अंदर वाटर या अदर सब्सटेंस होते हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आग बुझाने के काम में आते हैं. नाउ द क्वेश्चन आंसर इज व्हाई शुड वी नॉट पोर वाटर ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. जो फायर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगती है उस पर हमें पानी क्यों नहीं डालना चाहिए. एंड द आंसर इज वी शुड नॉट पोर वाटर ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वी माइट गेट शॉक. क्योंकि अगर हम जो फायर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगी है उस पर वाटर पोर करेंगे तो हमें शॉक लग सकता है, हमें करंट लग सकता है. सेकंड, हाउ विल यू पुट आउट अ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल. पेट्रोल से लगने वाली फायर को आप किस तरह से बुझाएंगे. आंसर इज इन केस ऑफ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल वी मस्ट थ्रो अ लॉट ऑफ सैंड एंड मड ओवर इट एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म द फायर ब्रिगेड. पेट्रोल से लगने वाली फायर के ऊपर हम बहुत सारा सैंड थ्रो करेंगे, मड थ्रो करेंगे और जो है फायर ब्रिगेड उसको इमीडिएटली कॉल करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट विल यू डू इफ़ अ पर्सन कैचेस फायर. अगर किसी आदमी को आग लग जाती है तो आप क्या करेंगे. डू नॉट लेट दी पर्सन रन. उस पर्सन को, उस आदमी को हम भागने नहीं देंगे. सेकेंड, ड्रॉप हिम एंड रोल ऑन द ग्राउंड. उसको फ्लोर पे ड्रॉप करेंगे, उसको रोल करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक फॉर द सेफ्टी अगेंस्ट पॉइजनिंग. पॉइजनिंग के केस में हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. वी शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस. ए, कीप ऑल द मेडिसिन एंड पॉइजनस थिंग्स अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों की पहुंच से सभी जो मेडिसिन हैं या पॉइजनस थिंग्स हैं उनको हमें दूर रखना चाहिए. सेकेंड, डू नॉट टेक मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर. बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई हमें नहीं लेनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट विल यू डू इफ अ पर्सन गेट्स अ स्नेक बाइट. अगर किसी पर्सन को, आदमी को, इंसान को स्नेक कट कर लेता है, स्नेक बाइट हो जाता है, तो क्या करना चाहिए. मेक द पर्सन लाई डाउन विद वुंड बिलो द हार्ट. उस पर्सन को आप लेटा दीजिए और जो वुंड है वो हार्ट के लेवल से नीचे रहना चाहिए. सेकंड, कवर द एरिया विद स्टराइल बैंडेज. जो एरिया है उसको हमें बैंडेज से कवर करके रखना चाहिए. थर्ड, डू नॉट ट्राई टू सक द वेनम. जो वेनम है, जहर है, उसको हमें सक नहीं करना चाहिए. लास्ट इज टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर. उसके बाद हमें जो पेशेंट है, जो डॉग विक्टिम है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. एंड द लास्ट टॉपिक इज हॉर्स.
वाई शुड वी नॉट मूव फ्रैक्चर्ड पार्ट ऑफ द विक्टिम, हमें जो विक्टिम है उसके फ्रैक्चर्ड पार्ट को क्यों नहीं मूव करना चाहिए, बिकॉज इट्स कैन फर्दर डैमेज द बोन. अगर हम फ्रैक्चर्ड पार्ट को मूव करेंगे तो वो बोन तो बेटा पहले से ही ब्रेक हो चुकी है, अगर उसको हम ज़्यादा मूव करेंगे तो वो ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, इसलिए उसको हमको मूव नहीं करना है. सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डू वी कीप द हार्ट एलिवेटेड फॉर अ पर्सन विद अ स्नेक बाइट. अगर किसी पर्सन को स्नेक ने बाइट कर लिया, कट कर लिया है, तो हमें उस पर्सन का जो हार्ट है वो एलिवेट क्यों करना चाहिए? बिकॉज इट कैन रिड्यूस द फ्लो ऑफ वेनम टू द मेजर एरिया ऑफ द बॉडी. क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, उसके हार्ट को हम एलिवेट रखेंगे, तो जो वेनम है, जहर है, वो दूसरे पार्ट जो है, मेजर एरियाज जो है बॉडी के, वहाँ पे फ्लो नहीं कर पाएगा.